चाय श्रमिकों के स्वास्थ्य का ध्यान में रखते हुए आज अलीपुरद्वार जिले की कुमारग्राम चाय बागान में कोरोना के प्रति एक अलग पहल देखी गई, जहां चाय श्रमिकों को कोरोना के प्रति सरल उपाय बताए गए या यूं कहा जाए काढ़ा के जरिए आम लोगों को कोरोना से बचने का एक विशेष उपाय बताया गया। बागान प्रबंधक द्वारा कुमारग्राम चाय बागान के मिशन लाइन में एक सचेतना कार्यक्रम किया गया। प्रतिदिन बागान प्रबंधक की ओर से कुछ न कुछ सचेतना कार्यक्रम, जैसे चाय बागानों की लाइनों में माइकिंग, काम कर रही महिलाओं के बीच सूझबूझ सचेतना सभा का आयोजन किया जा रहा है। आज विशेषकर लोगों को काढ़ा बनाने का तरीके के बारे बताया गया। चाय बागान में रहने वाले बेहद ही कम पैसे से ही निजी स्वास्थ्य के प्रति खर्च कर पाते हैं। इस बात का ख्याल रखते हुए घरेलू काढ़ा बनाना सिखाया गया, ताकि इस पद्धति से हर वर्ग के लोग स्वास्थ्य को कुशल रख सके। आप लोगों को याद होगा, कुछ दिन पहले ही कुमारग्राम चाय बागान में कोरोना से एक महिला की मृत्यु हो गई थी, जो इसी लाइन की निवासी थी। कोरोना से मृत्यु के बाद इस लाइन में एक आतंक का माहौल बना हुआ था, लेकिन आज इस कार्यक्रम के मार्फत डॉक्टर आशीष विश्वास ने लोगों को आतंकित न होने का अपील किया। कुमारग्राम चाय बागान के जनरल लेबर वेलफेयर अफसर गौतम भट्टाचार्य ने लोगों को सरकारी कोरोना नियमों का निर्देश का पालन करने की अपील किया। इसके साथ ही शादी विवाह में कम से कम लोगों को शामिल होने का आह्वान भी किया गया। आज हम लोग एक तो काढ़ा का प्रोग्राम भी बनाया है कि काढ़ा कैसे बना सकता है घर में, तो ये हम लोग जो घरेलू सामान है वो सब चीज दे के एक तो काढ़ा बनाना, जो तुलसी अदरक गोलमरीच ये सब दे के उसको बनाना है, और ये जो पीने से थोड़ा सा बीमारी से लड़ने का ताकत तो मिलेगा ये लोग को, इस बारे में थोड़ा ये लोग को बताने का कोशिश करेंगे हम।